हेलो फ्रेंड्स, इंडियन किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। इसके लिए आपको गैस पर एक कढ़ाई रखनी है और गैस ऑन करना है। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी कढ़ाई जब तक गर्म होती है, जब तक मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें 1.5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम तेज़ कर दें ताकि हमारा ऑयल जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ राई। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ। राई भी मैंने 1/2 चम्मच डाली है और सौंफ भी मैंने 1/2 ही डाली है। ये जीरा डाला है मैंने 1/2 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर दूं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने ऑलरेडी घर पर बना वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी परचेज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है जिसे मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपकी स्टफिंग के अकॉर्डिंग प्याज यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा इसका कच्चापन मिटने तक इसे गैस पर रहने दें। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से। थोड़ी देर इसी तरह चम्मच चलाते रहें ताकि वो अच्छे से मिक्स होकर भूनता रहे। ये देखिए इसका कच्चापन मिट चुका है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर 1/2 स्पून। गरम मसाला 1/2 स्पून। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है हमें। रेड चिली पाउडर, ये भी मैं 1/2 स्पून ही यूज़ करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें 1/2 स्पून डालूँगी सॉल्ट, नमक। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारे जो मसाले हैं ये भी अच्छे से भुन जाएं। ये देखिए, मैं इसमें आलू ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 आलू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो, और ये मैंने आलू पहले से उबाल के रखा था और उसका छिलका उतार लिया। सिर्फ 3 ही आलू मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप चाहें तो पहले से इसका छिलका उतार कर इसको अच्छे से मैश करके रख सकते हैं। मैंने मैश नहीं किया, अब मैं मैश कर रही हूँ। ये देखिए आप, मेरे पास एक मैशर है जिससे मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे, आपके पास जो कुछ भी हो आप उससे मैश कर सकते हैं। हाथों से भी मैश कर सकते हैं, पर ठंडा होने के बाद। ये देखिए मैश हो गया है। मैं मैशर को ठीक से झड़ा देती हूँ और हटा देती हूँ यहाँ से। मैशर से क्या है, आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं। एक भी आलू का टुकड़ा ऐसा नहीं बचता है जो मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो। अब देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। आधा नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप नींबू का रस स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। इसे भी अच्छे से मैं मिक्स करते हुए डालूँगी सभी जगह। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारी स्टफिंग लगभग रेडी है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला रही हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़े धनिया के लीव्स रखे थे मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल दिए। ये देखिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया।
स्टफिंग इज़ रेडी नाउ। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। इसको ठंडा होने के लिए छोड़कर ब्रेड के स्लाइसेस की तैयारी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक प्लेट में हमको 2, 3, 4 ब्रेड की स्लाइसेस लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आप भी ले लें। मैं आपको बता देती हूँ, आपको सारी स्लाइसेस इसी तरीके से लेकर और उस पर सॉस या फिर आपके पास घर पर बना हुआ जो कुछ भी हो आप वो लगा सकते हैं। मैं सॉस लगा रही हूँ, आप हरी चटनी लगाना चाहें तो हरी चटनी लगा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से मैंने चारों स्लाइसेस पे सॉस लगा दिया है। अब मैं इसमें स्टफिंग भरती हूँ, आप देखिए कैसे भरना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी स्टफिंग लेनी है एक स्पून में और ब्रेड की स्लाइसेस पे भरना है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टफिंग सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्रेड पे भरनी है। दो ब्रेड पर ही सिर्फ भरनी है, चारों पर नहीं भरनी है। ये देखिए, जैसे मैंने भरा आपको बिल्कुल स्टफिंग वैसे ही फील करके बाकी की जो स्लाइसेस हैं उन स्लाइसेस को इन स्लाइसेस के ऊपर रखना है। ये देखिए, इस तरीके से इस वाली स्लाइस को इसके ऊपर रखकर। चलिए फ्रेंड्स, अब ब्रेड को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक तवा लिया है और गैस ऑन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तवे पर आप चाहें तो ऑयल, बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को चारों तरफ अच्छे से फैलाना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब मैं जो ब्रेड की जो स्लाइसेस मैंने रखी थी रेडी करके, उन्हें इसके ऊपर रखना है। इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके खिसका दें ताकि ऑयल इस पर अच्छे से लग जाए। ये देखिए, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। अभी कम सिखाएं क्योंकि मैंने फ्लेम लो रखा था, ज़्यादा हाई ना करें क्योंकि आपका ब्रेड जो है बहुत ही जल्दी जलने लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको दबा दबा कर इसको अच्छे से सेकना है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे आपको एक प्लेट में कट कर कर दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको इस तरीके से कट करना है। ये कुरकुरा हो जाता है इसलिए आसानी से कट जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से कट गया है। इसी तरीके से आपको सारी ब्रेड की स्लाइसेस बना लेनी है और उन्हें फ्राई करके कट करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। अब आप चाहें तो इसे सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर आपको हरी चटनी पसंद है तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।